हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कौन सा हेडफोन अपने लिए बेस्ट है। देखिए, सारी तरीके की वीडियो मैं बना के आपको देने वाला हूँ, जैसे ईयरफोन्स कौन से अच्छे होते हैं, वायरलेस और वायर वाले, ईयरपॉड्स हो गए, नेक बैंड हो गए, हेडफोन हो गए, तो ये वायरलेस में और वायर वाले, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन फुल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बस बूट रॉकर्स 400 के बारे में, जो कि बहुत ही प्यारे हेडफोन्स है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि मैंने इसकी सारी चीज़ें डिटेल्स के पढ़ी, सारी चीज़ें देखी, प्रैक्टिकली इसको सुना, उसके बाद मैं आपके लिए इस वाली वीडियो को लेके आया हूँ। काफ़ी सारे हेडफोन्स हैं बूट के, लेकिन मुझे अभी तक स्पेशल अपने एक नॉर्मल बजट के अंदर ये वाला काफ़ी अच्छा लगा। बाकी की भी अगर आप बोलेंगे तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा, है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि अपना बूट रॉकर्स 400 के बारे में। तो जो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर लिखा है तो अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है जैसे 10 आवर्स का इसका प्लेबैक है, म्यूजिक प्लेबैक, एंड 100 आवर्स का इसका स्टैंड बाय रहता है, एंड 2 आवर्स का इसका चार्जिंग टाइम है मैक्सिमम। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये 10 आवर्स की जगह 7 to 8 आवर्स वर्क करता है, ठीक है। स्टैंड बाय मोड इसका होगा अप्रॉक्स 70 to 80 आवर्स का, और जो चार्जिंग टाइम है वो 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक लेती है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इतना ही बैठ जाता है, ठीक है। अब अपन काम की बात कर लेते हैं, बाकी सारी फालतू चीज़ों को तो अपन साइड में रखते हैं। तो जैसे क्या होता है, जो पैकेज कंटेंट्स है तो इसके अंदर एक तो अपने को हेडफोन मिलेंगी, ऑन ईयर हेडफोन है अपने पास, USB चार्जिंग केबल मिलेगी और ऑडियो केबल मिलेगी, ठीक है। बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें अपने पास, और उसके अलावा कलर्स वेरियंट के अंदर अपन देखें तो 4 कलर वेरियंट है इसके अंदर, एक है ब्लैक, ब्लू, येल्लो एंड रेड, है ना। तो ये 4 कलर्स के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो अब इसको अपन ओपन करके देख लेते हैं कि अंदर क्वालिटी कैसी है अपने। तो सबसे पहले तो ये अपने आता है जिसके अंदर ऑक्स केबल है और USB है जिससे ये चार्ज होएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपना हेडफोन ऐसे पैक होके आने वाला है इसके अंदर, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो किसी काम के नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हेडफोन्स बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबल हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल है इसके अंदर, और ओनली 120 ग्राम्स के ये हेडफोन है अपने पास। तो ऑन ईयर है तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर 2-3 घंटे अपन यूज़ करें लगातार तो अपने कानों में काफ़ी दर्द होने लग जाएगा, 3 जगह से ये अपने टूटने के इसके चांसेस रहते हैं। एक तो ये कि ये ज़्यादा मूव है तो अपने हेड पे आराम से फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर ये ज़्यादा ही घूम गए तो निकल के बाहर ही आ जाएंगे, है ना। और बाकी ये है कि अंदर ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो अगर जब आप ट्रैवलिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो इसको ऐसे फोल्ड करके आराम से लेके जा सकते हैं। देन उसके बाद अपना पॉइंट आता है कि ये तीसरा फ्लेक्सीबल है, तो यहाँ से टूटने के चांसेस होते हैं, देन यहाँ से ये मूव वाले के, और फिर यहाँ से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो यहाँ से भी थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अपने यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है तो अपने सिर के ऊपर ये चुभता नहीं है, इवन काफ़ी एंड तक का है, तो अगर यहाँ कॉर्नर पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये चुभेगा नहीं अपने को इतना ज़्यादा। साइड में ये बूट का लोगो दिया हुआ है जो कि एक बहुत ही यूनिक लुक देता है और काफ़ी अच्छा देता है। इवन ये सारे हेडफोन्स के अंदर ही एक सेम चीज़ करके देते हैं, वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर अवेलेबल होती है, जैसे चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है, ऑक्स का पॉइंट यहाँ पे है, इवन ये जब अपन इसको ऑन ऑफ करेंगे तो उसके लिए ये मिड वाला जो बटन है ये काम आता है, और बाकी के लिए ऊपर नीचे के अगर अपने को सॉन्ग वगैरह स्किप करना है तो वो चीज़। कॉलिंग के लिए भी ये काफ़ी बेस्ट माने गए हैं, और अगर गेमिंग करते हो इसके अंदर तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी यहाँ पे लैकनेस अपने को दिखेगी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये चीज़ भी फिक्स हो जाती है ना। तो देखिए, जैसे मैं इसको मेरे सिर के हिसाब से सेट कर लेता हूँ तो ये इस हिसाब से दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से दिखते हैं, तो मुझे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, है ना। और अगर आप इसको देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, अमेज़ॉन पे जाके ले लीजिए, फ्लिपकार्ट पे ले लीजिए, और थोड़े टाइम बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी डाल दूंगा। सो ये थी अपनी ये बूट रॉकर 400 की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सारे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया। इवन एक चीज़ और कि ये जो 40 mm का इसके अंदर ड्राइवर होता है तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अपने को साउंड काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर। मैंने इसका ट्रेबल, बेस और एक बैलेंस्ड वॉल्यूम जो आता है ना वो इसके अंदर टेस्ट करा है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो देखते रहिए ऐसी मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाई देना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड लक, बाय बाय।